नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चितरंगी आज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली के जिला प्रवक्ता विपुल धरजी। कोरोना वायरस COVID-19 वैश्विक महामारी में प्रदेश के श्रमिक जो अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, इस विषय पर हमारे संवाददाता रजनीश साहू ने विपुल धर से चर्चा की। देखिए क्या कहना है विपुल धरजी का। आज हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता विपुल धरजी फोन लाइन पे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वैश्विक महामारी कोरोना में जो प्रदेश से बाहर वो फंसे हुए हैं लेबर मजदूर, और वो काफी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। उनको न कहीं ढंग से भोजन मिल पा रहा है। हालांकि सरकारें तो व्यवस्था बना रही हैं, लेकिन फिर भी 100% व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो उनके लिए आप क्या प्रदेश सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं या उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जी आदरणीय पत्रकार महोदय, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिन पहले मेरे गांव में बाहर से कुछ लोग आए जो बताए कि हम लोगों को केवल चावल में पानी, एक पानी टाइप की खिचड़ी, और उसके बाद अगर मांगने पे मट्ठा देके, और इसी में काम चलाती थी गुजरात सरकार। जी जी। और काफी हमारे क्षेत्र के जी, हमारे प्रदेश के बहुत सारे एकदम गरीब तबके के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। जी जी। मध्यम वर्गीय और गरीब जी जी, इनकी मदद के लिए सरकार को सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कदम उठाना चाहिए कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों से जी जी जानकारी कर, सहायक सचिवों से भी मैटर में हर एक ग्राम पंचायत में जानकारी को लेकर जी जी उन लोगों के लिए मदद करने के लिए उनका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर लेके जी, और सरकार जैसे राजस्थान कोटा से भी जी बच्चों को लाई है जी जी, और जो बच्चे आए हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे घर के बच्चे हैं, एसी से आए जी जी, जबकि उनको इतनी दिक्कत नहीं थी जी। तो जब एक अच्छे परिवार के लोगों को लाने की सरकार इस तरीके की व्यवस्था कर रही है, तो हम तो यही चाहते हैं, और मुख्यमंत्री महोदय से ये बात मैं कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है मदद करने की, और वो ये मदद है कि उन लोगों को घर लाके पहुंचा दें सुरक्षित जी। इससे बड़ा कल्याण और कुछ नहीं हो सकता जी, जी। क्योंकि बेचारे हम लोग भी गाँव में देखते हैं, हम लोग यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो आके चर्चा करते हैं, तो पता यही चलता है कि किसी का बच्चा रो रहा है तो किसी के उनके घर परिवार के लोग रो रहे हैं जी। तो इसमें यही चाहिए कि लोग तत्काल सरकार आदेश करे कि पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सरपंच से मिलके एक सूची बनाए, और सूची बना के उन लोगों को लाने का प्रावधान किया जाए जी जी जी। और इसमें सरकार द्वारा तो श्रमिकों के खाते में जो है पंचायत सचिवों के माध्यम से कुछ न कुछ तो पैसा उनके लिए डलवाई है, लेकिन ये आपको लगता है कि क्या ये 100% ये योजना सफल रही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल कुछ सीमित व्यक्तियों के खाते में पैसे कुछ गए हैं जी, लेकिन जो पैसे गए हैं उतने पैसे से आज के समय में काम नहीं चलने वाला है जी। 500 रुपए, 1000 रुपए में हम लोग, आप भी और हर एक आदमी जानता है कि कितने दिन का व्यवस्था 500 रुपए में कर सकता है वो आदमी जी। और किसी में गया है और किसी में नहीं भी गया है, जरूरी नहीं सबके खाते में पैसे गए, ये मैं फुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल एक ये लुभावनी बातें हैं जी। और लोगों को इसमें भ्रमित करने का विचार बना के इस तरीके की बातें दी जा रही हैं, क्योंकि ये ठीक नहीं था जी। और इसका सबसे सरल और अच्छा उपाय यही होगा कि उनको लाने की व्यवस्था की जाए, वो लोग आए जी। पहले उनको 15 दिन का क्वारंटाइन करके बॉर्डर पे अपने प्रदेश में ला के रख के, फिर उनका टेस्ट करके, जैसे कोटा से आए छात्रों के साथ किया गया है कि वो 15 दिन घर में रहेंगे, बाहर निकले तो उनके साथ FIR हो रहा है ना, तो वो सारी सख्ती का पालन करते हुए जिस तरीके से सरकार अभी कुछ दिन पहले की है जी,
जैसे उत्तर प्रदेश सरकार अभी लाने का प्रावधान चालू की है, लोगों को ला रही है जी, ऐसे हम भी ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी से कि वो लाने का जल्द से जल्द प्रावधान करें। चलिए, आपको समय जगत मीडिया में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पत्रकार महोदय, सादर नमस्कार। खबर समय जगत के लिए चतरंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।